नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमजी के भंडारा में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती मॉक टेस्ट नंबर 10। ठीक है, तो इसमें हम फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये बेस्ड होगा आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें हिम जी के भंडारा। ठीक है, लिंक शायद ओपन नहीं हो रहा है तो लिंक देने का फ़ायदा नहीं है, तो आप डायरेक्ट सर्च कर लें तो वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी, फिर एक्चुअली किसी कारण से ये पूरा का पूरा जो मेरा वर्क था वो डिलीट हो गया, तो ये मैं वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे होंगे शायद, तो टाइम हो रहा है अभी 3:40 रात के। ठीक है, तो अभी मैं ये रिकॉर्ड करनी पड़ रही है मुझे क्योंकि सुबह अपलोड होनी है 10 बजे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश का, रेवरेंस। ठीक है, तो आपको बताना है चूज़ द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो रेवरेंस का आपको बताना है अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, इसका सिनोनियम क्या होगा, सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा अब तक। तो इसका राइट आंसर होगा रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, आपको अपने मार्क्स साथ साथ में काउंट करने हैं और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्पल्सिव। तो इम्पल्सिव का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसमें पूछा है इन्होंने चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, मतलब इसका एंटोनियम क्या होगा इम्पल्सिव का। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉशियस। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कैप्टिवेट क्या होता है, कैप्टिवेट करना। तो कैप्टिवेट का एंटोनियम आपको बताना है, एंटोनियम क्या होगा इसका। तो कैप्टिवेट हुआ किसी चीज़ को इकट्ठा करना, साथ में लाना, तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा रिपेल करना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक पैसेज है, आपको पैसेज पढ़ना है और इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, तो आप इस यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, पैसेज आराम से पढ़िए, फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु स्पॉइल्स अ मैंस लाइफ। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा अब तक। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मैन हिमसेल्फ स्पॉइल्स हिज लाइफ। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर इन लाइफ मैन शुड मेक बेस्ट यूज़ ऑफ। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे सेंस बन रही है सीधी सीधी। तो राइट आंसर इज़ टाइम। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल इन अर्ली लाइफ इन लेटर लाइफ वी विल सफ़र फ्रॉम ए सेंस ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेंसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो सेवन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेन। अ स्मॉल एनक्लोज फॉर शीप पोल्ट्री दैट इज़ कॉल्ड पेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉज ट्रूप्स टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। तो एट्थ का राइट आंसर रहने वाला है टू कॉज ट्रूप टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डिप्लॉय करना। तो ट्रूप्स को हम डिप्लॉय करते हैं बैटल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ही वॉक्ड डैश मी विदाउट स्पीकिंग। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ही वॉक्ड बाई मी विदाउट स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज टेकन डैश हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ही वॉज टेकन डैश हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। एंड द राइट आंसर इज टू, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो टू इसका राइट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ही होप्ड टू फिनिश द वर्क डैश बट ही कुडंट।
तो 11th का राइट आंसर होने वाला है, आई होप आपने लगा लिया होगा अब तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लास्ट वीक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आपने क्या करना है, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेना है, 1.5x पे कर लीजिए या 2x पे कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन है हमारे पास, ईच वर्ड हैज़ बीन स्पेल्ट इन फोर डिफरेंट वेज। तो आपको बताना है, इसमें चार वर्ड दिए हैं, सबकी अलग अलग स्पेलिंग है, तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, डेफिनेटली कि राइट स्पेलिंग क्या होती है। तो मिस स्पेल्ट वर्ड्स हैं, एग्ज़ाम में देखे जाते हैं काफ़ी। तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हर्षी। एंड 14 क्वेश्चन है, द सिनोनियम ऑफ एम्बलिंग। तो एम्बलिंग का आपको सिनोनियम बताना है। तो 14 का राइट आंसर होगा स्ट्रॉलिंग, ठीक है। एंड 15 क्वेश्चन है, द एंटोनियम ऑफ मॉडरेट इज। तो मॉडरेट का अपोजिट होगा रेडिकल। तो 16 क्वेश्चन है हमारे पास, मीनिंग ऑफ आइडम टू हिट इट ऑफ इज। तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस आइडम का मतलब होता है टू एग्री और टू बी कॉन्जिनल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो 17 क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी हिंदी सेक्शन, घूंघर धीरे धीरे चलने लगा, मैं धीरे धीरे क्या है। तो दोस्तों कब क्यों कहाँ कैसे, अगर इस तरह की सेंस बनती है कहीं पे, तो वो आपने बिना सोचे समझे क्रिया विशेषण कर देना है। जैसे घूंगर कैसे चला, तो वो चला धीरे धीरे, तो राइट आंसर इज क्रिया विशेषण। तो कब क्यों कहाँ और कैसे, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर का आपको पता होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए। थोक का विलोम शब्द क्या होगा, परचून, थेया, थाका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परचून। तो देव का विलोम शब्द क्या होगा, तो देव का राइट आंसर सोच लीजिए क्या होगा। तो आप तीन ऑप्शन में शायद कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे, असुर, दानव, दैत्य, क्योंकि ये सभी सेम ही वर्ड हैं, एक ही वर्ड के पर्यायवाची हैं। पर राइट आंसर इसका जो अप्रोप्रिएट होगा वो होगा देव का, दानव, ठीक है। एंड अग्रज का विलोम क्या होगा, अग्रज हुआ जिसका जन्म बाद में हुआ हो, और इसका राइट आंसर होगा अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अनुज बड़ा भाई, और सॉरी अग्रज हुआ बड़ा भाई और अनुज हुआ छोटा भाई, ठीक है। तो पेट की आग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो एक पेट की आग और दूसरा जंगल की आग, दोनों याद रखना है आपको। तो जंगल की आग को क्या कहा जाता है, तो जंगल की आग होती है दावा नल, ठीक है। और पेट की आग को बोलते हैं जठरानल, जठर प्लस अनल, अनल अनल आग होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 23 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो थोड़ा स्पीड में रखते हैं अभी, आई थिंक ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा लग रहा है, शायद पुलिस के एग्ज़ाम में आ चुका है पहले। तो 23 का राइट आंसर होगा ईर्ष्यालु, ठीक है। तो शुद्धवर्तनी है, आपको शुद्धवर्तनी बतानी है। तो पेपर का लेवल जो अभी तक मुझे लग रहा है वो मॉडरेट टू हार्ड लग रहा है, पिछले अगर हम पुलिस के एग्ज़ाम से इसको कंपेयर करें जो आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप 52 से अबव स्कोर करते हो तो मतलब अच्छा स्कोर है। तो 24 का
जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। एंड 25 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 26 है, कछुआ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कछुआ शब्द का बताना है आपको, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुरम तो होता है, कछप भी होता है और कमठ भी होता है, पर कदुषण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है? तो भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, जिम्बाब्वे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये वाला। भूटान में हिंदी बोली जाती है, नेपाल में भी बोली जाती है, नेपाली तो यहाँ भी हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदी बोली जाती है, तो जिम्बाब्वे में हिंदी नहीं बोली जाती है। तो कौमुदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी शब्द किसका समानार्थी है? तो आपको बताना है इसका समानार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, कौमुदी का मतलब होता है चांदनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चांदनी। और फूल के तो कई सारे हैं, प्रसून हो गया, पुष्प हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए। तो आपको बताना है कृतघ्न कैसे लिखते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लघुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? लघु प्लस उर्मी तो सभी बोलेंगे, पर कौन सा वाला? तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यक्ष में उपसर्ग बताना है क्या है। तो उपसर्ग दोस्तों आपको पता होगा, उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में लगते हैं और प्रत्यय अंत में। ठीक है, और जब इनका संधि विच्छेद किया जाता है तो दोनों का अपना अलग से मतलब निकलता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद करें अगर हम, तो वो होता है प्रति प्लस अक्ष सॉरी, तो इसमें राइट आंसर इज प्रति। ठीक है, तो ई प्रत्यय किस शब्द में है? अभी प्रत्यय पूछा हुआ है यहाँ पे, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। ई प्रत्यय आपको बताना है किस में है। तो दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होने वाला है ये, क्योंकि लिखना प्लस ई, लिखाई, सुनवाई, इसमें भी गति, गति तो नहीं होगा, ये एक शब्द है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों में। तो आपको बता दूँ इसका राइट आंसर होगा त्याग प्लस ई, त्यागी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो 33 क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो अभी रीजनिंग सेक्शन है हमारे पास। तो 33 का आपको बताना है क्या है। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, आपको क्या करना है, पी की जगह पे एक्स मल्टीप्लाई करना है, क्यू की जगह पे डिवाइड, आर की जगह पे प्लस, एस की जगह पे माइनस, और डायरेक्ट बोर्ड मास लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आदमी, लड़का, शिशु, बूढ़ा, मृत्यु। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, हमारी अपनी लाइफ से रिलेटेड है। पहले शिशु होगा, फिर लड़का होगा, फिर आदमी होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, और फिर उसके बाद मर जाएगा। तो राइट जो क्रम निकल के आया वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 35 क्वेश्चन है, तो डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लीजिए और अपना आंसर लगा लीजिए आराम से। तो इसका राइट आंसर होगा फुफेरी बहन, ऑप्शन नंबर सी। तो 37 क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। तो आपको बताना है इसमें विषम क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी, रोगाणु, माइक्रोफोन एंड सूक्ष्म फिल्म। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये, क्योंकि ये सभी किसी न किसी प्रकार के यंत्र हैं। ठीक है, और रोगाणु आपको पता होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 38 क्वेश्चन है अभी हमारे पास, छत्ता, मधुमक्खी, ऊंचा, नीड, इसके आगे क्या होगा। 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गरुड़। 39 क्वेश्चन है, वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है,
आपको डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखना पड़ेगा इसका आंसर, ठीक है। तो 39 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 नवंबर। तो ऑप्शन भी एंड में दी हुई है इसमें, तो अगर आप शुरू से ट्राई करना चालू करोगे तो अंत में आपको अपना आंसर मिलेगा, ठीक है। तो पेपर सेटर भी थोड़ा स्मार्ट होता है, उसको पता होता है कि जो कैंडिडेट है वो किस तरह से सोचता है पेपर में, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन, तो आपको बता दूँ इस तरह के क्वेश्चन आप अंत में ही करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं काफ़ी। हमें लगता है कि हम ऐसे कर सकते हैं, पर पेपर में जब करने लगते हैं तो कुछ और ही हो जाता है पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन एंड के लिए बचा के रखें, अगर टाइम हो तो अटैम्प्ट किए करें इनको, तभी टाइम मैनेजमेंट होगा। तो 40 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको आगे का क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 40 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 184। 41 क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, पानीपत में युद्ध हुआ था, हल्दीघाटी में भी युद्ध हुआ था, सारनाथ में कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा संपादक से, ठीक है। तो अखबार को जो चलाता है वो चलाता है संपादक, और जहाज को चलाता है कप्तान, ठीक है। पाठक तो पढ़ने वाले हो गए, लेखक लिखने वाले, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन है, यदि आज 24 जनवरी 1994 को दिन सोमवार है, तो 24 जनवरी 1995 को कौन सा दिन होगा? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको देखना है पहले ये लीप ईयर तो नहीं है, तो लीप ईयर चेक करने के लिए आप जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर 1996 होगा। तो अगर लीप ईयर ना हो और डेट सेम हो तो आपने देखना है ईयर का गैप कितना है। तो ईयर का गैप है हमारे पास 1, तो हमने क्या करना है, एक दिन ऐड कर देना है। तो सोमवार में एक दिन ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा मंगलवार। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 44 डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका, आप सॉल्व कर लीजिए इसको। तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो विजातीय युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें आपको बताना है 45 का। तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बस चालक, ठीक है। तो 46 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और इसको ऐड करना है आपको, बस दशमलव का ध्यान रखना है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110, विक्रय मूल्य 123.20 है, और इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। 48 क्वेश्चन है हमारे पास। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो 48 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 93। बात करते हैं 49 क्वेश्चन की, तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट आंसर बोलने वाला हूँ उसका। 49 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 25 किलोमीटर पर आवर। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि पूछा क्या गया है, कि दिए गए ऑप्शंस में से 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही है जो 4 से डिवाइड हो रही है। 2 और 3 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है।
तो पूर्णतः विभक्त का मतलब है जो जैसे चार आया तो चार से डिवाइड होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ आपको हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट पॉसिबल नहीं है कि इंग्लिश में भी इसे प्रोवाइड किया जाए, तो टाइम बहुत चला जाएगा और हमारे पास समय की कमी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बोलने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक मॉक टेस्ट में डाला था, तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। ये तो मैंने समझा के किया था कैसे होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 52 का राइट आंसर क्या होगा? सेमी सर्कल का आपको फार्मूला बताया था क्या होगा, बस सर्कल का जो एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, उसे डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो सेमी सर्कल का फार्मूला है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 52 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21। तो चलिए अभी बात करते हैं 53 की। एक सिक्का उछाला गया है, हेड या टेल आने की संभावना क्या रहेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हेड या टेल आने की, या तो वो हेड होगा या टेल होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर किसी को डेफिनेशन पता है प्रोबेबिलिटी की तो वो आसानी से इसका जवाब दे देगा। तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाया करती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी सभी ऑप्शन रिलायबल ही नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। तो 54 है, 3 के प्रथम 5 गुणजों की औसत क्या है? तो 3 के प्रथम 5, 3 से लेके 15 तक, सॉरी 3 से लेके 15 तक आपको बताना है कि इनकी एवरेज क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनका सम निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर से। तो इनका जो सम आएगा, तो इनका जो सम रहने वाला है वो होगा 45, तो उसको डिवाइड करना है 5 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, देख लीजिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। तो 55 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और एक तो हिंदी में है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 13। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। तो 56 क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के उभयविष्ट जीवा की लंबाई ज्ञात करें, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो उसे तो ये आसानी से समझ आ जाएंगे क्वेश्चन, तो माफ़ी चाहूँगा जिनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ इसका, तो 56 का राइट आंसर होगा 48। 57 क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 मिलता है, तो मूल राशि क्या होगी? तो आपको बताना है मूल राशि। तो दोस्तों इसका मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास परसेंटेज दी है उसको लिखना है और डिवाइड करना है 100 से। तो हमने कन्वर्जन कर लिया परसेंटेज का, अब इसे काटेंगे तो आएगा हमारा 3 5 15, मतलब सॉरी 5 3 15 और डिवाइडेड बाई 20। तो हम क्या करेंगे, अब 20 + 3 कर देंगे एंड करेंगे 23 + 20। ये जो हमारे पास 20 है ये होगा हमारा प्रिंसिपल और ये होगा हमारा अमाउंट, मतलब इसमें अमाउंट में ऐड होगा आपका CI, ठीक है, CI + अमाउंट, ठीक है। तो इसमें CI भी है और अमाउंट भी है, तो CI अगर हम अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करें तो हमारे पास निकल के आ जाएगा CI, ठीक है, 1 साल का। तो अभी बताता हूँ आपको आगे, तो 1 साल का आया हमारे पास 23/20, तो 2 साल का बोला है तो हमें स्केयरिंग कर देनी है इनकी। तो स्केयरिंग करके आएगा 529 डिवाइडेड बाय 400। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका डिफरेंस जो होता है वो होता है CI, तो इनका डिफरेंस आया 129, तो ये है हमारा CI, CI की रेशियो है, और यहाँ पे हमें CI दिया है 3225, तो हमें क्या करना है, 3225 को डिवाइड करना है 129, तो आंसर आएगा हमारा 25। ये आ गया हमारा कि इसके कितने टाइम्स ये है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे पूछा है मूल राशि क्या है, तो हमारा प्रिंसिपल जो आया था वो आया था 400, ठीक है, तो 400 हमारा प्रिंसिपल आया था, तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10,000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अभी 58 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। हिमाचल प्रदेश के किस लेखक द्वारा अटल तो अटल है पुस्तक का लेखन किया गया है, तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। किस देश को चांद पर सबसे पहले परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए मंजूरी मिली है, तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब बनाया गया था, तो आई होप आपने लगा लिया होगा आंसर, 1961 इज द राइट आंसर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, सॉरी बनाया गया था, तो 61 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो राइट आंसर इज 1972, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगस्त 1952 में, ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था, तो 63 का राइट आंसर होगा पांचवी। दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ, तो 64 का राइट आंसर, आई होप आपने लगा लिया होगा अब तक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड 65 विस्तारा विमान सेवा कंपनी का ब्रांड नेम क्या है, तो 65 का राइट आंसर होगा टाटा सिया एयरलाइंस, ठीक है, तो टाटा सिया एयरलाइंस आपको याद रखना है। मानव विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और 67 क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, ठीक है, तो 67 आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, पटना मुंबई तिरुवनंतपुरम हरियाणा, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी है ये, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में ये करो या मरो नारा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत किस देश का राष्ट्रीय गीत है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया का भारत का जो जनगण मना वो भी लिखा है और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला भी लिखा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है वहाँ का नेशनल एंथम है। 70 क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र के जीवन की सांसें हैं किसने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 70, तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, राइट आंसर इज अरविंद घोष। तो बात करते हैं अभी सुंदरवन कहाँ पर स्थित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको बता दें सुंदरवन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, तो डेल्टा की आपको डेफिनेशन भी पता होगी, जहाँ से मतलब वो एरिया जहाँ नदियाँ अपना पानी महासागरों में छोड़ती है, तो एक जड़ की तरह आकृति वहाँ पे बन जाती है काफ़ी लार्ज स्केल पे, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, वनस्पति उग जाती है, तो उसी एरिया को डेल्टा कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन गूगल पे देख लेना अच्छे से, ये तो मैंने रफ सा आपको बता दिया। तो हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, और सॉरी सुंदरवन जो डेल्टा है 71 का होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वहाँ से नदियाँ। तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेकचंद। दूध का पीएच मान कितना होगा, 74 क्वेश्चन, तो दूध का आपको पीएच मान बताना है, ऑप्शन देख लीजिए, तो दूध का पीएच मान 6.4, ठीक है, और पानी का होता है 7.0 और ब्लड का होता है 7.22 7.4, आपको ये भी याद रखना है साथ में। अब बात करें जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो इन तीनों को याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, आपको बस इतना याद रखना है ईंट पर नाच
ये देख लीजिए, इंच पर नाच, ई से आया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की ट से थॉमसन, प से आया प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड, और ना से आपका आया न्यूट्रॉन, तो च से आया चैडविक। तो ईंट पर नाच आपको याद रखना है, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। तो अभी क्वेश्चन पूछा है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है, तो ईंट पर नाच च, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन, नाच न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन और च से जेम्स चैडविक। तो 76 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो बात करते हैं स्कैनर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, सॉरी मैंने स्कैनर गलत बता दिया। तो स्कैनर में हम डाटा की इनपुट करते हैं स्कैन करके, तो स्कैनर इज द राइट आंसर एंड प्लॉटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयवंत राम। करेरी झील किस जिले में स्थित है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 का क्वेश्चन होगा, सॉरी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा। तो दोस्तों अभी सुबह के 4:20 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो अभी कंप्लीट करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो बाबा कांशी राम को पहाड़ी गांधी नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया, तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कालका से शिमला रेलवे लाइन का निर्माण 1903 में हुआ था, पर यह ट्रेन शिमला कब पहुंची, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।